एनर्जी सर्कल्स है वो पॉजिटिव रहती है, और वास्तुशास्त्र इज अ साइंस ऑफ एनर्जीज एज वेल, जो हमारे पूर्ण व्यक्तित्व पर परिणाम करते हैं, माइंड और हेल्थ अवर बिहेवियर एज वेल। तो ये आप समझ, इफ एनी वन हैज एनी डाउट एनी वन कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इवन आफ्टर द लेक्चर। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट what is the vastushastra, what definitions they have arrived, jo alag alag dimensions se vastushastra ke. Vastushastra ek jeevan marg hai, it's a lifestyle. Since morning to evening hum bahut sare kaam karte hain, aur wo lifestyle maintain karte samay we are in some certain places, so jahan pe hum all the activities we carry out throughout the day, those activities get affected, हम पर परिणाम करती है, उसका ही साइंस है वास्तुशास्त्र, ऐसा हम कहें। तो इसे जीवन मार्ग भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र ऐसा नहीं कि सिर्फ चार कुछ दीवारें बनाई या फिर एक घर बनाया और उसमें बताते हैं कि यहाँ पे खिड़की हो, यहाँ पे दरवाजा हो, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, इतना लिमिटेड ये साइंस नहीं है। और वेन वी कंसिडर इंटीरियर डिजाइनिंग वास्तुशास्त्र, इट इज वेरी मच अलाइन विद द एनर्जीज एंड कलर्स जो यूज करते हैं, वहाँ पे शेप्स होते हैं, ये सब सबका परिणाम हम पर होता है। तो ये एस्पेक्ट से एनर्जी और इससे ज्यादा जुड़ा हुआ ये शास्त्र। कौन से ऐसे, जैसे मैंने बताया कि पंच महाभूत जो है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये सभी जीवन शैली पे परिणाम करते हैं। जो हम हमारा शरीर या जो भी पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी पर जितना भी कुछ है, सभी कुछ ये पंच महाभूता से ही बना हुआ होता है। वास्तु इज अ साइंस ऑफ पंचभूता एज वेल एज इट्स अ साइंस ऑफ डेलिंग्स। जहाँ कहीं भी कोई रहता है, कुछ करता है, उसका ये साइंस जो सराउंडिंग का उसमें परिणाम होता है। वास्तु की डेफिनेशन ऐसे कि वास्तु इज वास्तु वसति इति वास्तु, वसति मीन्स एनी वन रिसाइड्स इन द ड्वेलिंग, दैट इज द वसति इन संस्कृत, एंड वास्तु इज द साइंस ऑफ दैट वसति, जो जहाँ पे रहता है वो पर्सन पे जो परिणाम करता है उसका ये वास्तुशास्त्र। अभी आप सभी लेक्चर सुन रहे हो और आप अपना डायरेक्शन चेक करो कि विच डायरेक्शन यू ऑल आर फेसिंग राइट नाउ व्हाइल लिसनिंग द लेक्चर। इफ इट इज ईस्ट, यू कैन एक्यूमुलेट ऑल द नॉलेज वेरी वेल, वेरी इजी। अगर आप ईस्ट को फेस करते हो तो जो भी आप सुनते हो उसकी आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, ग्रहण शक्ति अच्छे से रहती है। So always whenever you want to learn anything or whenever you are doing anything that is creative, you need to face east direction. Because east जो है वो सन से, सूर्य से जुड़ा हुआ है और सूर्य प्रकाश ही हमारा हमें जीवन देता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों से we can feel, experience and sense the change. Now one more interesting thing I want to tell you about the ancient Indian times. There were temples constructed for Pancha Mahabhuta. जो है एक है नटराजा टेम्पल है, चिदम्बरम में है, जो आकाशा तत्व के लिए जाना जाता है। ये सारे टेम्पल जो है मैं बता रही हूँ महादेव या शिव के टेम्पल है, और ये सारे वो तत्व से जुड़े हुए हैं। एक है नटराजा टेम्पल जो चिदम्बरम में है आकाशा तत्व का, दूसरा है एकांबरेश्वर टेम्पल दैट इज इन कांचीपुरम जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, फिर है जम्बुकेश्वरा टेम्पल तिरुवन्नाइका में है, वो जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट से जुड़ा है, फिर है श्री कलाहस्ती टेम्पल वो चित्तूर में है, वो एयर एलिमेंट से जुड़ा है, और अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ टेम्पल है अरुणाचलेश्वरा टेम्पल दैट इज इन तिरुवन्नामलाई। ये सारे शिव के टेम्पल्स है लेकिन पंचतत्व के टेम्पल।
why I'm mentioning this thing to you. Here I speak about a particular thing, that is, each of these temples have importance of five elements at the same time. You can see that when you see the map and when you see all these temples, they are on the same line. Same line, that means they are all built on the same longitude, that is 79.29. I think only two temples, that is Kedarnath and Kalishwaram, Rameshwaram, are more in one line, and another two temples are not in the same line. Little bit there is a difference. So you can see that hundreds of years back, how these people could arrive at the same longitude and building all these temples of Panchatattva very beautifully, where there is a thousands of kilometer distance in all the temples. The one thing what I have experienced during my practice, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया था. For example, जैसे कन्या राशि वृषभ राशि और मकर राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई राशियां. तो अगर वृषभ कन्या और मकर के लोग, मकर राशि के लोग, आई मीन मून साइन आई एम मेंशनिंग, जिनकी चंद्र राशि ये है, पृथ्वी तत्व की है, वो लोग अगर ये ट्वेल्थ मून विजिट करते हैं, दर्शन लेते हैं और वहाँ की जो सॉइल है, मट्टी है, उसको अपने घर में साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है. और जब भी हम इंटीरियर वास्तु के अनुसार कभी करते हैं, तो इसमें ये सारे जो है, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी की ये सॉइल होती है, हमें ये इंटीरियर्स में इंक्लूड करना चाहिए. These are some small things I will keep on mentioning to you all people, which is all my 25 years experience. तो ये जिनकी भी राशि पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व की है, वो भी ये टेम्पल्स में जा सकते हैं. एंड ऑल द टेम्पल्स यू कैन कलेक्ट द सॉइल, कीप इट इन योर होम इन द साउथ वेस्ट रीजन विथ ऑल द रिस्पेक्ट, एंड इट विल रियली क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर फैमिली मेंबर. नाउ लेट अस कम बैक टू वास्तु शास्त्र थिंग. I will share the image later on, how these temples are beautifully built in one line. Now, coming back to Vastu Shastra, it is the Vedic architecture, you can see. As you have seen that many temples, there is very beauty and structural strength there is. And most important, all these temples, they are standing still intact in spite of all the calamities of cyclones, tsunamis, earthquakes, whatever has happened. But these structures are very well, very strong and tested all these events. Nothing could damage them except whatever attacks were there from the whoever outsiders from this country. All were Muslims damaged many of the beautiful temples in our, that is the sad part for our culture. Temple architecture especially, the very beauty, and that is the great wealth for our Indian architecture culture. So whenever possible, you keep on visiting such temples, such palaces. Someone, mic is on. Can you please can you Ritu ma'am, please mic off kar do na. By mistake. तो ये जो है, आप औरंगाबाद तो बहुत नजदीक है, हमारे महाराष्ट्र में ही है, तो वहाँ पे देखिए एलोरा एंड अजंता है, वहाँ पे वेरूल करके है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वी कैन नॉट इमेजिन हाउ दे हैव डन ऑल दिस थिंग. सो यू नीड टू विजिट सच प्लेसेस बिकॉज यू आर इन इंटीरियर. सो व्हेन यू सी
एट द सेम टाइम थियरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी आप जाओगे ऐसी जगह पे और वहाँ का जो है डिजाइनिंग है, वहाँ की ब्यूटी है, वहाँ पे कैसे बनाया है, ये अगर आप खुद देखोगे तो यू विल बी अलाइन विद दोस स्ट्रक्चर्स एंड दिस एलिमेंट्स। हाउ नाउ नीड टू सी दैट हाउ ओल्ड इज द वास्तुशास्त्र, कैन एनीवन टेक्स्ट और put on the mic and tell me how old is the Vastu Shastra? Can anyone tell me about it? Are you getting me? BC to 600 BC. Yeah, correct. It is older than that, we can say. It is more than 5,000 years old when there was Ramayana, Satya Yuga, Treta Yuga. Since that time, we are implementing this science of elements. One Yuga period is now we are in Kali Yuga, and that is 43,20,000 years of this Kali Yuga we have passed, and still many of the thousands of years are still remaining. So Vastu Shastra is older from Satya Yuga, Treta Yuga, Yuga, Dwapara Yuga. You know that Pandava story, that Duryodhan jab hi Rajasvi Yajna ke liye aaye the, तो उन्होंने जो विश्वकर्मा ने ही उनका महल बनाया था, और उनको ये ऐसा बनाया था कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे लगे कि ये जमीन है, और जहाँ पे दीवार है वहाँ पे कुछ ऐसे होलो होगा, और जहाँ पे लगेगा कि ये एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे दीवार होगी। तो ये सब ऐसे इल्यूजन से बनाया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इफ यू कैन गो ऑन and read this interesting story. तो उसे पता नहीं चला कि यहाँ पे पानी है, और वो गिर गया, पानी में गिर गया, और द्रौपदी वो टाइम पे द्रौपदी और सभी लोग हंसे थे। He was very much felt insulted at that time, and the whole story goes on. But you can understand ये illusions या ये visual impact create करने का काम द्वापर युगा में पांडवा ने किया था, जो हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या फिर वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं। वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल सच थिंग नाउ। यू कैन थिंक हाउ एडवांस वी वेर इन दोज डेज, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। और यू कैन गूगल इट ऑन यूट्यूब आल्सो, यू कैन फाइंड दैट स्टोरी एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा ये। तो एक और एक क्वेश्चन आता है, जैसे वास्तु शास्त्र तो है हमारा, मोर देन 5,000 ईयर्स की हिस्ट्री है, ठीक है, बट ये वास्तुशास्त्र इंडिया में लिखा गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, और इंडिया में ही इसका ज़्यादा यूज हुआ था, ज्योतिष और वास्तु। तो इज इट एप्लीकेबल फॉर इंडिया ओनली? एनीवन कैन रिप्लाई? इज इट एप्लीकेबल टू हमारा जो देश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जो अगर ग्लोब के हम दो भाग करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या वास्तुशास्त्र सिर्फ इंडिया या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए है? कैन एनीवन आंसर माय क्वेश्चन? क्या लगता है आपको? आपने खुद कुछ सोचना चाहिए। दिस इज वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल शास्त्र। नहीं, आई थिंक सबके लिए होगा, सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों? अच्छा, ऐसे क्यों लगता है? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक सिंपल है, मतलब अगर ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है ना वास्तुशास्त्र, तो जरूरी है ना। हाँ, लेकिन लॉजिकल, सपोज आप यूएस में गए और आपको वास्तु कहीं वहाँ पे बड़ी ग्लोबल या गूगल ने कहीं काम दिया आपको,
what will be your logical perception? या आप कैसे करोगे? Why? I'm trying to develop your thinking regarding this subject. नहीं, आई थिंक कैसा होता है कि कुछ कुछ प्लेसेस होते हैं कुछ जोन के लिए, जैसे कि वर्किंग का एक प्लेस होता है, आप स्टडी का होता है एक प्लेस होता है. अगर हम ओवरऑल हाउस या ओवरऑल लैंड का वास्तुशास्त्र निकाले तो उसके हिसाब से हमें वर्किंग करना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब मानना है. यस, ये बहुत ही जनरल आंसर हो गया. बेसिकली इसका रूल क्या है, वास्तुशास्त्र इज अ साइंस ऑफ पंच महाभूत. जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि पूरा विश्व है वहाँ पे, ये सारी चीजें है वो पंच महाभूता से ही बनी. मतलब आप कहीं भी जाओ ये सब है ही. हमारा ह्यूमन का जो है, किसी भी देश में जाओ ह्यूमन आर सेम. दे ऑल क्राई व्हेन दे फील सैड, दे ऑल लाफ व्हेन दे आर हैप्पी, एंड देयर ऑल बॉडी हैज अ मैकेनिक, बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी सेम है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पंच महाभूता है वो सारे विश्व में है एक्सेप्ट नॉर्दर्न जो है हमारा, नॉर्थ का पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अलग है और वहाँ पे पंचभूत एग्जिस्ट नहीं. एनी डे इवन इफ एनी वन आस्क यू वेदर वाई इट इज एप्लीकेबल टू सदर्न हेमिस्फीयर और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यू कैन से इट इज द साइंस ऑफ पंच महाभूत. पंच महाभूत एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन दिस पोल. इज इट क्लियर टू ऑल? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया को देखते हैं और वर्ल्ड मैप को भी देखते हैं. यू कंसीडर द वर्ल्ड मैप, यू कैन सी दिस व्हाट आई हैव मेंशन कि वास्तुशास्त्र इज द साइंस व्हिच इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड. इफ वी कंसीडर द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया को अगर देखते हैं तो इंडिया में क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को और साउथ को, चारों दिशा को देखते हैं तो यहाँ पे हिमालयाज रेंज कहाँ पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं. और नॉर्थ ईस्ट में एज पर वास्तुशास्त्र वाटर एलिमेंट होना चाहिए या लार्ज पिट होना चाहिए या फिर स्लोप होना चाहिए, ये रूल है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनर्जीज का साइंस है. लेकिन वहाँ पे हिमालयाज रेंजेस है, इसकी वजह से कश्मीर की प्रॉब्लम है. Because it is again disturbing in northeast energy for our country. How this work? I have mentioned earlier कि ये simple language में बता दूँ आपको. हमारी earth है वो it rotates itself as well and वो सूर्य को भी चक्कर लगाती. तो north और south pole तो fix है, ठीक है. Only east and west are मोबाइल मूविंग रहते हैं, राइट. तो ये आप इमेजिन करो, अभी सामने बोर्ड लेके तो ये लेक्चर नहीं हो रहा है, आई विल शेयर इमेजेस एज वेल. और ये उत्तरायण दक्षिणायन जब भी होता है तो सूर्य जो है नॉर्थ ईस्ट से राइज होता है और फिर वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाता है जब भी दक्षिणायन होता है. इट्स नेवर फिक्स. और पृथ्वी का जो एक्सिस है, नॉर्थ साउथ एक्सिस है, वो भी 23 डिग्री टिल्टेड है. That is why true north जो हम कंपास से देखते हैं वो एक्चुअली नहीं आता है. That is different. That is again deeper aspect. जब भी इसमें एडवांस लेक्चर होगा I will explain about it. तो ये सूर्य का जो रोटेशन होता है, जब भी नॉर्थ ईस्ट से सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है वो सनरेज दे आर वेरी गुड फॉर ह्यूमन लाइफ. लेकिन जैसे जैसे वो साउथ ईस्ट में जाता है, साउथ ईस्ट से फिर साउथ वेस्ट, वेस्ट से होके साउथ वेस्ट में आता है, तो उसकी जो रेज होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन साइकी एंड ह्यूमन हेल्थ एज वेल. डिस्ट्रक्टिव होते हैं. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है उसे कॉस्मिक एनर्जी बताया गया है और उसको वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. तो हमारे देश की ये कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक वाइब भी हिमालयन रेंजेस की वजह से ब्लॉक हो गई, ठीक है. अभी दूसरा एक इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो हमारा मुंबई है, बॉम्बे में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है. हाय, बिकॉज उसके वेस्टर्न साइड में सी है, वेस्ट में पानी होना, वेस्ट इज द अगेन एयर एलिमेंट का
जोन होता है और वहां पे पानी होना इट सपोर्ट्स द विंड एलिमेंट. दैट इज व्हाई कोई भी मुंबई में आता है तो खाली पेट नहीं रहता है. एंड द सिटी इज वेरी प्रोग्रेसिव. वहां पे सारे बिजनेसेस है. अफ्लुएंट लाइफ है सब. कल एक है उन्होंने 103 करोड़ में एक फ्लैट लिया मलबार में. प्राइस इज 103 करोड़. तो ये क्यों है? बिकॉज द वाटर एलिमेंट इन द वेस्ट. वाटर एलिमेंट आइडली एज पर वास्तु शास्त्र शुड बी आइदर इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जहाँ पे ये एलिमेंट्स को सपोर्ट करते. तो कभी हम हमारे देश का जब भी आपको टाइम हो तो यू जस्ट गो थ्रू दिस इंडियन मैप और तीनों साइड में सी है. बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है और अरेबियन सी. तो जहाँ पे अभी साउथ भी या साउथ ईस्ट में पानी होना ठीक नहीं है ऐसे तो जहाँ पे भी ये पानी है इन द रॉन्ग जोन वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती रहती है. वहाँ पे ऐसी शांति या सुख नहीं रहता. वहाँ पे प्रोग्रेस भी नहीं रहती. जैसे बंगाल है या फिर वहाँ पे दरिद्रता ज्यादा रहती है, झगड़े ज्यादा रहते हैं. पीपल आर नॉट हैप्पी इन दोस स्टेट्स. यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग. अभी एक देखते हैं इंग्लैंड का. हाँ, उसका भी आप मैप देख के ऑब्जर्व करो कौन सी दिशा में क्या आता है. यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट टू द वास्तुशास्त्र. लोकेशन ऑफ द कंट्री. यूएस का भी आप यू कैन ऑब्जर्व. यूएस का भी ऐसा ही है. यूएस में कम्प्लीटली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बहुत ही एज पर वास्तुशास्त्र अच्छा है. दैट इज वाई दे आर ऑलवेज दे आर रूलिंग द वर्ल्ड बिकॉज कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे बहुत सारी आती है. एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. जो आप लोगों को कुछ नोट्स भी मुझे देने हैं. एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओके. या अभी तक समझ में आ रहा है? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके ग्रेट. यस सर. आप रिकॉर्डिंग चालू कर दो. आप रिकॉर्डिंग चालू करो. हेडफोन लगा दो. को बताने वाले दैट इज रिलेटेड टू अगेन द एनर्जी. तो ये आप पॉइंट्स नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिजाइन. ओके मैं थोड़ा स्लो बताती हूँ आपको. व्हेन वी स्पीक ऑफ द वास्तुशास्त्र वी कंसीडर डिफरेंट एनर्जी. देर आर एनर्जीज विच आर कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस. जैसे आकाश से कुछ एनर्जीज का हम पर इफेक्ट होता है. क्या होता है वो? देर आर मेनी गैलेक्सीज मूविंग प्लैनेट्स. जो अर्थ की रोटेशन है वो वी कॉन्स्टेंटली गेट अफेक्टेड बाई ऑल कॉस्मिक एनर्जीज दैट आर कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस.
देन सेकंड एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल से आती है, जैसे वी आर कनेक्टेड विद द अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस। अर्थ की एनर्जीज क्या होती है? फर्स्ट है ग्रेविटेशनल, सेकंड इज टेलुरिक एनर्जी। व्हाट इज टेलुरिक एनर्जी? एनीवन नोज अबाउट दिस और एनीवन हैज हर्ड अबाउट दिस? जमीन के भूगर्भ जिसे बोलते हैं उसके अंदर पत्थरों का घर्षण होता है, वाटर स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत से वहाँ पे बदलाव होते रहते हैं, उससे ऊर्जा निकलती है, जैसे करंट होते हैं ऐसे निकलते हैं, उसको टेलुरिक एनर्जी बोलते हैं। और वी एज वी आर कनेक्टेड विद द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग को एनर्जी को अनोइंगली और एब्सॉर्ब करते रहते हैं। ह्यूमन ऑलवेज एब्सॉर्ब दिस एनर्जी, ग्रेविटेशनल एंड टेलुरिक एनर्जीज एज वेल। एक है और तीसरी एक होती है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है या पिलर्स होते हैं, पिलर्स के थ्रू आती है या फिर वायरिंग होती है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल जो है फिटिंग्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये एनर्जीज भी कंसिडर करनी पड़ती है। मैकेनिकल एनर्जी अगेन कुछ भी काम चलता रहता है या किया हुआ है विच इज इन द रॉन्ग जोन एंड इन अ रॉन्ग वे, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमन साइके एंड ह्यूमन हेल्थ। सो ऑल सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इंटरैक्ट विद ह्यूमन एंड दीज एनर्जीज आर क्रिएटेड by the building energy. That is why nowadays there is a concept of bioenergy. All the interiors are done as per bioenergy. And we are never aware that constantly interacting with such different kind of energy, what effect we get because of such things. So there were certain ways of the construction with this the energies can be balanced, and also with the help of interior designing. Interior designing also play an important role for balancing such kind of energy. So all of you understood this point. You will not find this topic in any book, by the way. मैम एक बार ये टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ श्योर, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। फर्स्ट है, फर्स्ट एनर्जीज क्या होती है? हम लोग तो हमारा रूटीन चलता रहता है, हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, स्टडी करते हैं, ये इसका हमें अवेयरनेस होता है, ये हमें पता चलता है कि हम क्या करते हैं। बट अनोइंगली वी नो दैट हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, नेल्स ग्रो होते हैं, वी ग्रो ओल्डर देन अर्लियर, ये सब नेचुरली होता रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, राइट? जस्ट लाइक दैट हम लोग जो है वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हैं एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जुड़े हैं, बिकॉज आवर बॉडी इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। तो अननोइंगली ये सबका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे इमोशंस पे और हमारे हेल्थ पे कंटिन्यूसली होता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये कैसे होता है? अगर कहीं कंस्ट्रक्शन में कुछ गलत किया है या फिर ये टेलुरिक एनर्जी या फिर वो कॉस्मिक एनर्जी का ख्याल नहीं रखा है, इट्स नॉट टेकन केयर, तो इसका परिणाम ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा होता है और कैंसर वगैरह अभी बहुत बढ़ गया है, तो इसका ये भी एक रीजन है। ये कौन सी एनर्जीज है? फर्स्ट है जो मूविंग प्लैनेट्स है उसकी एनर्जीज है, सेकंड है अर्थ का रोटेशन है, और थर्ड है वो जो नेचुरली जो चेंज होते हैं ना, सीजन्स होते हैं, सीजन्स के अनुसार जैसे बहुत धूप हो जाती है, गर्मी होती है, तो वी फील वेरी बैड एंड हम कोल्ड वाटर से शावर लेते हैं। बट अगर ठंडी के दिन में हम कोल्ड वाटर से शॉवर नहीं ले सकते,
So these changes are continuous, and these all changes affect us. We are not aware about that at all. ये एक वातावरण या सराउंडिंग का नेचुरल एनर्जीज का इफेक्ट है. इसी तरह से अर्थ की अर्थ से निकलने वाली कुछ ऊर्जाएं होती है, दोज एनर्जीज आर वेरी वेरी बैड, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहते हैं. दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट, बट एज पर वास्तुशास्त्र ग्रेविटेशनल एनर्जी रहती है और टेलुरिक एनर्जी रहती है. वट इज टेलुरिक एनर्जी? जो जमीन के अंदर घर्षण होता रहता है पत्थरों का या कुछ वाटर स्ट्रीम्स होते हैं और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है. वी आर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बट जमीन के अंदर बहुत डीप बहुत कुछ होता रहता है और वो घर्षण की वजह से एक फ्रिक्शन तैयार होता है और वो फ्रिक्शन से एक ऊर्जा बाहर निकलती है. वही एनर्जी को टेलुरिक एनर्जी बोलते हैं. और वो एनर्जी हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करती है. हेल्थ है, इमोशंस है, ये इस पे सब पे हमारे साइकी पे इफेक्ट करती रहती है. दैट इज व्हाई व्हेन द इंटीरियर डिजाइनिंग इज एज पर वास्तु शास्त्र, इट्स देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ये एनर्जी से हम इफेक्ट हो जाए. एंड अ पर्सन लिव्स टू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. तो समझ में आ गया ये पॉइंट? या मैम, थैंक यू. या एंड वन मोर थिंग, ये इंटीरियर का एस्पेक्ट नहीं है बट इसको कंसिडर करना पड़ता है वास्तु के अनुसार, बिकॉज द पिलर्स. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन यू, कि आपको समझ में आ रहा है कि जितना पहले मतलब हम लोग बचपन में थे तो वास्तुशास्त्र इतना कुछ कुछ जानता भी नहीं था. नो वन टॉक अबाउट वास्तुशास्त्र, बट अभी ही इतना क्यों, अभी इतना? और लोग बोलते कि नहीं ये कुछ अभी निकला है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. पहले के घर कैसे होते थे? एक तो जॉइंट फैमिली होती थी. सेकंड, बिल्डिंग्स नहीं थे, टॉलर अपार्टमेंट्स या टॉलर बिल्डिंग्स इतने नहीं थे वो टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा एक दो माले के घर होते थे और वहाँ पे घर के बाहर का जो पोर्च होता है साउथ इंडिया में या इंडियन महाराष्ट्रियन में, वाड़ा सिस्टम थी. और जो वाड़ा सिस्टम में कैसे सेंटर ऑफ द एरिया जो है ओपन टू स्काई होता था और फिर उसी तरह से सी शेप में घर रहते थे. तो ये ओपन टू स्काई जो वाड़ा सिस्टम या साउथ में भी घर है, इसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होता था. जो भी घर में वार्म एनर्जी या हीट तैयार होती थी वो ओपन जोन की वजह से ऑटोमेटिक वो वेंटिंग होता था. एसी की ज़रूरत वो टाइम पे नहीं थी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो वहाँ पे अभी जैसे टॉयलेट्स और डब्ल्यूसी घर में रहते, वो समय में बाहर रहते ज़्यादातर, घर में कभी नहीं रहते. दिस वॉज द सिस्टम. एंशियंट इंडियन होम्स वेयर डिजाइंड एंड बिल्ट लाइक दिस. बट अभी कैसे, अभी छोटा सा घर है फिर भी टॉयलेट्स तो घर पे ही है, मतलब घर में ही रहता है. तो एनर्जी का इम्बैलेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है. दैट इज वाई वी नीड टू कंसिडर वास्तुशास्त्र इन अ डीपर एस्पेक्ट. समझ में आ गया? अगर कोई अगर बोलेगा कि अरे वास्तुशास्त्र पहले नहीं था अभी है, तो यू हैव द आंसर नाउ, राइट? एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो स्टूडेंट. मैम अकेले ही बात नहीं कर रही है. अगर 20 स्टूडेंट एक जगह पे है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिस्पॉन्स करो, हाँ नहीं, एटलीस्ट रिएक्ट करो. हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट्स है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट यू, रिस्पॉन्ड आई विल कम. ओके, हम तुम्हारे लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं ना. सो और आई थिंक कैमरा अगर ऑन रखते तो पता नहीं स्टूडेंट्स का पता नहीं चलता है वेदर दे आर एग्जैक्टली. कैमरा कंपलसरी ओपन रहना चाहिए. तुम लोगों को अलग से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों के साल भर से लेक्चर्स ऑनलाइन ही चालू है. सो हर बार हर लेक्चर में इंस्ट्रक्शंस तुम्हें देने हैं, जरूरी नहीं समझती हो. कैमरा ऑन ही रखने हैं. अभी हम एक
मैम कुड यू एक्सप्लेन बायो एनर्जी व्हाट इट एग्जैक्टली इज? बायो एनर्जी इज एनर्जी जो भी सराउंडिंग में है वो एडवांस में आता है. अभी उसको समझाने जाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. अभी सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करो वो एडवांस में आता है. मैम बायो एनर्जी को कैसे देखते हैं कि बायो एनर्जी जितना हम केमिकल्स है या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी जो जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि प्लास्टिक के पिरामिड लगाते हैं एज फॉर वास्तुशास्त्र रेमेडी तो आपने देखा होगा करेक्ट. वो प्लास्टिक किसी भी पंचतत्व से जुड़ा हुआ नहीं है. कोई भी नेचुरल एलिमेंट उसमें नहीं है. वो सारा जो गार्बेज है उसको प्रोसेस करके केमिकल वे से प्लास्टिक बनाया जाता है. और वो इट्स प्रूवन दैट आफ्टर 6 मंथ्स प्लास्टिक है वो एक पॉइजनस गैस एमिट करता है. ठीक है, तो ऐसे अगर पिरामिड लगाते हैं या कुछ प्लास्टिक ऐसे यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्थ तो इफेक्ट होगी ना. यू विल बी थिंकिंग अरे मैंने क्या गलत किया. बट यू आर ब्रीदिंग दैट पॉइजनस एयर ऑल द टाइम व्हेन द प्लास्टिक इज अराउंड यू. सो बायो एनर्जी इज दिस. सो दिस इज बैड एनर्जी विच विल इफेक्ट बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से ये हुआ. तो जितना हम नेचुरल एलिमेंट्स यूज करते हैं जितना हम नेचर से जुड़े रहते हैं उतना अच्छा होता है. पहले के घर में वुड का ज़्यादा यूज होता था, स्टील का इतना नहीं था. एक ही ऐसे मैक्सिमम वुड और वो भी साग या साल ये यूज करते हैं. तो इसके जो केमिकल या प्रॉपर्टीज है ये बहुत अच्छे हैं विच आर गुड फॉर हेल्थ. बट अभी जो भी यूज हो रहा है सब में कंटेमिनेशन है. हम जो फूड इंटेक करते हैं या फिर हम जो एयर ब्रीथ करते हैं हम सराउंडिंग में रहते हैं ये सबका हम पर परिणाम होता है. तो व्हाट इज बायो एनर्जी? तो जो ह्यूमन के लिए सभी तरह से अच्छा है ऐसा सारा डाइट होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए और हम ऐसे सराउंडिंग में भी रहना चाहिए. तो ये निर्माण कैसे करते हैं इसका एक बायो एनर्जी का साइन. अंडरस्टूड? ओके मैम, थैंक्स. आप मैं सिर्फ इसमें क्या क्या है वो बता रही हूँ लेकिन हमारा फोकस 100% किस पे होना चाहिए? इंटीरियर डिजाइनिंग एज पर वास्तुशास्त्र. बिकॉज एवरी वन नाउडेज अप्लाई इंटीरियर डिजाइनिंग एज पर वास्तुशास्त्र. दैट इज वाई यू शुड नो दिस इन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द रीजन्स अबाउट एंड यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज. सो योर लाइफ विल चेंज ना अकॉर्डिंग. एम आई राइट? यस मैम. अभी देखो अभी ये कोरोना इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. लोगों ने अपना जो है एम बनाया कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाना, बाकी कुछ नहीं. तो इससे वो एनर्जी सर्कल्स भी इफेक्ट हो गए. कोई भी मॉरली एथिकली कुछ किसी का भी बिहेवियर नहीं. तो ये टेम्पररी सब होता है लेकिन परमानेंट बैड इफेक्ट होता है इसका. तो यू पीपल आर यंग एंड यू हैव दैट अवेयरनेस. इफ इट इज डेवलप्ड एट अ यंगर एज यू विल लीड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. ओके, सो आई कैन कंटिन्यू फॉर 1 आवर. आई वॉन्ट टू कम्प्लीट द टॉपिक ऑफ माय एलिमेंट्स. इज इट ओके? और आर यू ऑल enough? Do you think that enough for the day and tomorrow we shall continue? Can anyone, Shilta ma'am, can you? Yes ma'am. So abhi continue karo ki kal karo? Students, kya karna hai? Continue karna hai ki kal karna hai continue? Kuch response hi nahi kar rahe, jaise ki hum. Chalega ma'am, kisi bhi. Continue karna hai. Continue. Ye to bata. आपका रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि बिकॉज मैं आपको क्लियर बता दूँ. मैं इतने कॉलेज स्टूडेंट्स को ओके एटलीस्ट तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मैम को पता चलेगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है किस वे में लेके जाना है. ऐसे होता है नहीं तो बहुत हेवी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू अप्लाई
वास्तु शास्त्र इन इंटीरियर डिजाइन कि आपको समझ में आना चाहिए क्या एनर्जीज होते हैं, राइट? यस मैम। हम अभी फाइव एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, इसमें क्या होते हैं फाइव एलिमेंट्स और इसका परिणाम हम पर कैसे होता है। तो फर्स्ट है आप इसमें मैं स्लो बताती हूँ, आप नोट्स भी ले सकते हो। आर यू एबल टू राइट व्हाट एवर आई एम डिक्टे टेलिंग यू? यस मैम। सर मैं पीडीएफ मैम, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ऐसे नहीं समझ नहीं आया और आगे अभी सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे, जैसे रामायण महाभारत सुनते ना बूढ़े लोग, ऐसे मत करो आप लोग, क्या ठीक है? यस मैम। हाँ वो लोग कीर्तन को जाते हैं वैसे सोते हैं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू पीपल। ओके वो होल, जैसे मैंने बताया कि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स जो है आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और जल तत्व। तो ये पांच एलिमेंट्स है, ये ऑल द टाइम हम पर परिणाम करते रहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर अफेक्टिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल, मतलब पेड़ पौधे प्राणी मात्र जो भी है जिसमें सारे जीव है उस पर ये परिणाम करते रहते। तो ये एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही हमारा वास्तु शास्त्र है, जो वास्तु में आता है वास्तु के अनुसार होता है। लेकिन ये फाइव एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, तो ये फाइव एलिमेंट्स का शरीर में बैलेंस करने का काम कौन सा शास्त्र करता है? आयुर्वेदा करता है, करेक्ट? और जो अगर अगर आप ये नेचुरली हमारे अंदर की भी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, एट द सेम टाइम आपके सराउंडिंग की भी एनर्जी बैलेंस रहती है, तो उसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अभी सूर्य की ऊर्जा है दैट इज द कॉस्मिक फायर इसको बोलते हैं, जो पवित्र अग्नि है, ज्योति स्वरूप अग्नि होता है, पूर्व दिशा का अग्नि तत्व। और वो एज पर एस्ट्रोलॉजी वो पिता का है कारक, आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का कारक है और आपकी क्रिएटिविटी का कारक है, ठीक है? और शरीर में अग्नि तत्व कहाँ पे होता है? मणिपुर चक्रा में होता है। आपके शरीर में अग्नि तत्व का काम क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है, सेकंड थिंग आपका एक्सप्रेशन है, हाउ यू एक्सप्रेस विद द वर्ल्ड, और थर्ड थिंग है आपका ऑरा, आपके चेहरे पे ग्लो, अगर आपके सूर्य अच्छा है, सूर्य की ऊर्जा आप में है तो आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होंगे। यू नीड द परसेप्शन लाइक दिस। तो अगर किसी के भी इसमें अग्नि तत्व वास्तु में बिगड़ा है, वो सूर्य है ईस्ट में टॉयलेट आ गया या फिर ईस्ट कम्प्लीटली बंद है, तो इसका परिणाम जो हाउस का ओनर है उसकी कुंडली में भी आपको दिखाई देगा, या फिर इस डायरेक्शन ही कम्प्लीटली मिसिंग है, वो पूरा कट हो गया, तो यू विल सी के उसकी कुंडली में भी यू विल सी कि कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा मिसिंग है या गड़बड़ है या कोई दोष है, द सन प्लैनेट आई मीन उसे, एंड उसके शरीर में भी अग्नि तत्व के जुड़े हुए डिसीजेस आपको नजर आएंगे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है उसमें, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, रिलेशनशिप में इशू हो सकता है। तो अभी शरीर का इतना बदलना डेली लोगों को इतना पॉसिबल नहीं होता है, कुंडली में जो फिक्स होते हैं प्लैनेट्स उसको चेंज करना भी मुश्किल होता है। बट अगर आप वास्तु में अच्छे से वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं और बैलेंस करते हैं, तो ये सारे जो है सन के एस्पेक्ट सुधर जाते हैं। इतना सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रहा है अग्नि तत्व को? यस मैम। क्योंकि ये जो बुक्स है इसमें बहुत हेवी लैंग्वेज में बताया, मैं आपको बिल्कुल लेमैन सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। यू कैन इम्प्लीमेंट इन द इंटीरियर, तो ईस्ट को बैलेंस करते तो इतना सारा उसमें फायदा हो जाता है। किसी को भी अगर एजुकेशन में सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, इज वेरी हार्ड वर्किंग, इज वेरी जीनियर ब्रिलियंट, डेफिनेटली यू नीड
हाउ हिज डायरेक्शन हिज जोन वहाँ पे अगर कुछ मिसिंग है या फिर पोल्यूशन है या फिर कुछ गलत है या डायगोनल है तो इतना भी मेहनत करेगा तो उसे सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, रेमेडीज में आएगा बाद में कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आकाशा तत्व। आकाश तत्व जैसे स्काई इज इनफाइनाइट लिमिटलेस और उसकी इंटेंसिटी भी लिमिटलेस है इनफाइनाइट है। स्काई की जो एनर्जी है वो लाइट भी है कॉस्मिक रेज होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एनीवन नो? मैं सिंपल बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस फोर्स ये होता है कि हमारे जो वातावरण में आयोन्स होते हैं और वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद दोज आयोन्स। एक सिंपल एग्जाम्पल ऐसा है कि अभी हम लोग गूगल मीट पे मिल रहे हैं और माई वॉइस इज वेरी इजीली रीचेबल टू यू, वी कैन सी ईच अदर। ये कैसे होता है? कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है बट जो वातावरण में जो सिग्नल्स है उसके थ्रू हम जुड़े। दिस इज द रोल ऑफ एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। ओके, ये यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वॉट एवर वी आर सराउंडेड विद ऑल दिस गैजेट्स मोबाइल ये सब दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आकाश तत्व से हमारे और ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे अराउंड में रहता है, हमारे सराउंडिंग में रहता है। तो ये आकाश तत्व का है और आकाश तत्व अगर आपके सराउंडिंग में आपके घर में अच्छा हो तो कॉस्मिक एनर्जी से आपका यू आर ऑलवेज फील योरसेल्फ एज अलाइन विद द कॉस्मिक एनर्जी। और इसके लिए ध्यान या मेडिटेशन करना पड़ता है सो यू ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसके परिणाम कम होते हैं। और हमारे शरीर में आकाश तत्व कहाँ होता है? एनीवन कैन गेस अबाउट दिस? नेचर में कहाँ रहते हैं आकाश तत्व? स्पेस एलिमेंट। I'm giving you 2-3 minutes, think and then let me know.